चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज हम फिर से एक नई फिगर ऑफ स्पीच समझेंगे जिसका नाम है एसोनेंस। एसोनेंस आपने कई बार सुना होगा लेकिन आपको ये कंफ्यूज कर जाता है। इसको हम अगर हिंदी की बात करें, क्योंकि हिंदी को बेस बना करके मैं आपको समझाता हूँ जिससे आपको आसानी हो समझने में, एसोनेंस को हिंदी में स्वरावर्ती कहते हैं, यानी कि स्वर वर्णों की आवृत्ति। जो इंग्लिश में वोवल साउंड होती है ए ई आई ओ यू, उनकी यदि किसी सेंटेंस में, किसी पोएटिक लाइन में पुनरावृत्ति होती है, बार बार आवृत्ति होती है, तब वहां पर एसोनेंस फिगर ऑफ स्पीच होती है। डेफिनेशन को समझते हैं। वैसे मैंने आपको यहीं पर स्पष्ट कर दिया है कि एसोनेंस के अंदर स्वर वर्णों की जो ए ई आई ओ यू है उनकी पुनरावृत्ति होगी, एक पोएटिक लाइन में इनको दोहराया जाएगा और इस प्रकार से वोवल्स की जो पुनरावृत्ति होती है उसी को हम एसोनेंस कहते हैं। डेफिनेशन को हम समझ लेते हैं एक बार फिर। एसोनेंस इज ए फिगर ऑफ स्पीच इन विच द सेम वोवल, सेम वोवल, वही जो वोवल पहले आया है वही वोवल साउंड। यहां पर ध्यान रखना है कि वोवल से, वोवल लेटर से भी मतलब है और वोवल के साउंड से भी मतलब है, रिपीट्स विद इन ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, कुछ शब्दों में उसकी पुनरावृत्ति होती है, बार बार उसका आना होता है, इसी को हम एसोनेंस कहते हैं। तो सीधी सी बात है, इस अलंकार में स्वर ध्वनियों की पुनरावृत्ति होती है। एग्जाम्पल से मैं आपको स्पष्ट करता हूं, अच्छे से हम समझेंगे। हिज टेंडर हियर माइट बियर हिज मेमोरी। तो आप देख रहे हैं कि हियर और बियर में जो वोवल साउंड है ई आई आर ईयर की, वो रिपीट हुई है, हालांकि जो लेटर है वो चेंज हुए हैं। मैंने आपको बताया ध्वनि जो वोवल साउंड है वो मिलनी चाहिए, तो दोनों ही जगह हियर और बियर में वोवल साउंड हमको मिल रहा है, तो इसमें हम कहेंगे कि एसोनेंस फिगर ऑफ स्पीच है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। कई सारे मैंने एग्जाम्पल यहां लिखे हैं आपको समझाने के लिए। डियर कम नियर एंड फियर नॉट। तो आप देख रहे हैं यहां पर मैंने इसको रेड कलर से किया हुआ है। ईयर, डियर में ईयर आ रहा है, नियर में ईयर आ रहा है और फियर में ईयर आ रहा है, और इन वोवल साउंड की अलग अलग शब्दों में पुनरावृत्ति हुई है, कई बार ये आया है। तो इस प्रकार से यदि वोवल साउंड रिपीट होती है किसी पोएटिक लाइन में, तो वहां पर एसोनेंस फिगर ऑफ स्पीच होती है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, दाउ स्टिल अनरेविज्ड ब्राइड ऑफ क्वाइटनेस। यहां पर ध्यान दीजिएगा, जो वोवल है आई उसकी बार बार पुनरावृत्ति हुई है, और स्वर ध्वनियों की जब पुनरावृत्ति होती है तो वहां पर एसोनेंस फिगर ऑफ स्पीच होती है। दैट सॉलिट्यूड, सॉलिट्यूड में यू साउंड आया है, स्वीट्स में यू साउंड आया है, एब्स्ट्रूसर में भी यू साउंड आया है और म्यूजिंग्स में भी यू साउंड आया है। तो यू जो है वो एक वोवल है और वोवल साउंड का रिपीट होना ही एसोनेंस कहलाता है, स्वरावृत्ति कहलाता है। ऑन ए प्राउड राउंड क्लाउड इन वाइट हाई नाइट। देखिए यहां पर ओ यू, फिर ओ यू, उसके बाद फिर ओ यू, आई, फिर आई और उसके बाद फिर से आई। तो ये जो वोवल साउंड रिपीट हो रही है आप समझ गए होंगे, इसी को हम एसोनेंस कहते हैं। दोज लेजी, फिर हेजी, क्रेजी, डेज। तो इनमें आप देख रहे हैं लेजी, हेजी, क्रेजी में जो साउंड है ए वोवल की वो रिपीट हो रही है, इसी को एसोनेंस कहा जाता है। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। दो एग्जांपल और हैं, इनको भी स्पष्ट कर लेते हैं। रेन स्पेन मेन प्लेन। आप देखिए ए आई एन का जो साउंड है
जो कि एक वोवल साउंड है, वोवल साउंड रिपीट हो रहा है शब्दों के अंदर एक पंक्ति में, एक पोएटिक लाइन में, तो यहां पर जो फिगर ऑफ स्पीच है वो एसोनेंस फिगर ऑफ स्पीच है, जिसको स्वरावृत्ति कहते हैं, स्वरावृत्ति अलंकार कहते हैं, स्वर की आवृत्ति वाला अलंकार कहते हैं, यानी वोवल साउंड का रिपीटेशन इसमें होना है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपको वीडियो अच्छा लगा तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें। आपने जो अपना कीमती समय दिया उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।